अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से नून लीगी नुमाइंदे की मुलाकात की तरदीद कर दी है। कहा नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात नहीं की। डिनर हुआ हो या नहीं इसका कोई इल्म नहीं। सियासी मामलात सियासी क़यादत को ही हल करने दें। सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए था। नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाजी है। जब तक वायरस है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मरियम ये बताएंगी जो डिनर हुआ है जीएसक्यू में क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाजत से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पर डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये जीएचक्यू में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट है।